मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 1364 योगिनी मंदिर, जो कि ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है, और कहा जाता है इंडिया का संसद भवन इसी मंदिर के डिजाइन से इंस्पायर्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या ये सच है। न जाने क्यों हम लोग हमेशा ऐसे प्लेसेस की ओर भागते हैं जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जबकि इंडिया इज फुल ऑफ वंडर्स, और उन्हीं में से एक है ये टेम्पल, जो कि मितावली गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। इसमें चढ़ने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां हैं और इस पहाड़ी की ऊंचाई भी लगभग 100 फीट के आसपास है। ये मंदिर 11th सेंचुरी में बना था और इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य था टू प्रोवाइड एजुकेशन इन एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन ट्रांजिट ऑफ द सन। लगभग 104 मीटर की डायमीटर वाले इस सर्कुलर मंदिर का स्ट्रक्चर सच में बाकी मंदिरों से अलग है, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट करती हैं 64 योगिनीज एंड सेंटर में शिवा। ऊपर से इसकी छत भी नहीं। ऐसा भी माना जाता है कि ये टेम्पल्स तांत्रिक योगिनी चक्र से भी रिलेट करते हैं। यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स रोड कंडीशंस एंड नैरो रोड्स, जो कि हरे भरे खेतों से होकर जाती हैं। टू माय नॉलेज या तो आप यहाँ तक अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं या फिर टैक्सीज एंड ऑटो भी करके लेकर आ सकते हैं। अब हम अपने उस सवाल पे आ जाते हैं जो सभी के मन में आता है, क्या ये इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर इसी पर बेस्ड है? वेल, ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों काफी सिमिलर दिखते हैं अपार्ट फ्रॉम मेनी डिफरेंसेस, बट इस बात पे कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग इसी पर आधारित है। यहाँ आने के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल यही नहीं, एक और ऐसी ही अमेजिंग हिस्टोरिकल साइट है जिसके बारे में जानने में आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, और उसकी शुरुआत हम करेंगे